पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे के आदेशानुसार वाहन चोरों को दबोचने के लिए क्राइम ब्रांच टीम के प्रभारी नीरज कुमार मिश्रा, वरिष्ठ उप निरीक्षक जगदत्त सिंह की टीम द्वारा विगत रात्रि में मुखबिर की सूचना पर नैनी गिलास चौराहा नदीम कबाड़े वाले के गोदाम के सामने चोरी की दो कारें व कई बाइकें खड़ी होने की जानकारी मिली। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके से 9 बाइक, 2 कारों सहित मौके से 1 तमंचा, 2 कारतूस, अभियुक्त थाना रसूलपुर क्षेत्र हाजीपुरा निवासी नदीम अख्तर पुत्र मोहम्मद हनीफ को दबोच लिया। पुलिस कार्रवाई को देख मौके से जाहिद गुड्डू नामक दो लोग भागने में सफल रहे। पुलिस उनकी भी तलाश कर रही है। पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि हमारा गैंग 8-10 लोगों का है जो अलग अलग जनपदों के साथ राज्यों में वाहन चोरी के कार्य करते हैं। क्योंकि चोरी की बाइकों को कम कीमत में खरीद कर काटने के बाद सभी फौजियों को अलग अलग कर बेच दिया जाता है। कार 15 से 20 हजार व बाइक को 4 से 5 हजार में खरीद लेते हैं। उक्त अभियुक्त के इतिहास की जानकारी जनपद के साथ अन्य राज्यों व जनपदों से की जा रही है। पकड़ने वाली टीम को 5 हजार का नगद पुरस्कार भी पुलिस अधीक्षक द्वारा दिया गया है। फिरोजाबाद से अजय शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। अरे भाई ने मोबाइल देखिए, ये अभियुक्त का नाम है नदीम अख्तर और ये कबाड़ का काम करता है। पहले नियागरा से जेल जा चुका है। जनपद फिरोजाबाद की पुलिस को इसका क्राइम था और इन लोगों ने 2 फोर व्हीलर और 9 बाइक मोटरसाइकिल बरामद किया है। तो ये बाइक को 2 से 4 हजार रुपये में और 4 व्हीलर को 25 से 30 हजार रुपये में ट्राई करता था और उनको फिर काट करके उसके पार्ट को ये बेचता था। पहले पीछे जा चुका है। इसके और क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम पता कर रहे हैं। इसके गैंग में कुल 8-10 महीनों में भी देखा है चदरा, सफीम, गाजा, भांग और ढेर सारे क्रिमिनल गिरफ्तार किए गए। उसी कड़ी में एक और उपलब्धि जनपद फिरोजाबाद की है। पास हमेशा अपनी सुरक्षा के लिए रखे रहते हैं। जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ पर रोड करते हैं तो उसी से बरामद हुआ है। उसी से बरामद नीरज मिश्रा का काफ़ी सहयोग है उनकी टीम का। उसको SSP महोदय के द्वारा उनकी टीम को 5 हजार रुपये का नगद इनाम भी दिया गया। सर, जो 4-व्हीलर गाड़ी पकड़ी गई वो रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड? आपने भी देखा होगा, अभी इसका हम लोग मिलान करते हैं। किसी पे नंबर है, किसी पे फर्जी नंबर है, किसी पे नंबर बिल्कुल नहीं है। उसको सब लोग हम चेसिस इंजन नंबर से तस्दीक करेंगे। सर, जो अपराधी पकड़ा गया उसको और भी मुकदमे हैं? पहले ये आगरा से भी जेल जा चुका है और कहाँ कहाँ से गया है हमें पता करना है, पूछताछ करना है।